बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर क्लास टीचर ऑफ KG 2। नाउ टेक आउट योर एक्सरसाइज नोटबुक इंग्लिश एंड मेंशन हियर डेट, इन विच डेट यू आर वर्किंग। सो मेंशन हियर डेट, मेंशन हियर डेट इन विच डे यू वर्क, एंड नाउ मेंशन हियर डे, DAY डे, एंड टुडे वर्किंग डे इज 45। Today I will teach you secondary colors. SECONDARY secondary, COLORS colors, secondary colors means सानवी रंग। जिस तरह से हमने previous class में पढ़े थे बुनियादी रंग, इस तरह से हम आज पढ़ेंगे secondary colors। सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो दो कलर्स को, प्राइमरी कलर्स दो कलर्स को मिलाने से जो कलर बनता है वो कहलाते हैं सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर से रेड, येलो, ब्लू। अब जैसे ये है प्राइमरी कलर, रेड जो है वो प्राइमरी कलर है, रेड प्लस ब्लू, ब्लू भी जो है वो प्राइमरी कलर है। रेड और ब्लू को हमने मिलाया तो कौन सा कलर बना, पर्पल। पर्पल जो कहलाएगा वो कौन सा कलर कहलाएगा, सेकेंडरी कलर्स। नंबर टू येलो, येलो भी जो है वो प्राइमरी कलर है, येलो प्लस ब्लू, येलो प्लस ब्लू इज इक्वल टू, अब ये और ये दोनों प्राइमरी कलर्स हैं, इन दोनों को मिलाने से जो कलर बना वो बनेगा ग्रीन। तो ग्रीन कलर जो कहलाएगा वो कहलाएगा सेकेंडरी कलर्स। नंबर थ्री रेड, रेड भी प्राइमरी कलर है, रेड प्लस येलो, YELLOW येलो, रेड प्लस येल्लो इज इक्वल टू ऑरेंज। ऑरेंज जो कहलाएगा वो कहलाएगा सेकेंडरी कलर। हमने प्राइमरी कलर्स जो है उनको मिलाया को दो कलर्स को तो वो बनता है सेकेंडरी कलर। पर्पल, ग्रीन और ऑरेंज जो कहलाएगा वो है सेकेंडरी कलर। यहाँ पर जो है वो मैंने सर्कल बनाया, इसमें आप पर्पल कलर करेंगे, इसमें आप ग्रीन कलर करेंगे और इसमें आप ऑरेंज कलर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum, how are you all my lovely students? I hope you all will be fine. I am your class teacher of Amma Foundation School and today we are doing written work in our general knowledge copy. So let's start our work. By the name of Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim. That's our copy. And first of all, we will write the date. D-A-T-E, date. We will write the date on which date we are working. And here we will write the day, D-A-Y, day. And our following day is 45. Our following day is 45. And today we are doing name of vegetables. हमने previous class में भी name of vegetables किया था, हमारी आज की class भी name of vegetables है. Name, N-A-M-E, name, O-F, of vegetables, V-E-G-E-T-A-B-L-E-S, name of vegetables, सब्जियों के नाम। Number one, cabbage, C-A-B-B-A-G-E, cabbage means bandh gobi, cabbage means bandh gobi. Number two, eggplant, e g
जी एग पी एल ए एन टी एग प्लांट एग प्लांट मीन्स बैगन एग प्लांट मीन्स बैंगन नंबर थ्री लीक्स एल ई के एस लीक्स लीक्स भी एक सब्जी होती है हमने ऑरल में हमारी बुक में लीक्स पढ़ा था ना आपको याद है बेटा नंबर फोर पम्पकिन पी यू एम पी के आई एन पम्पकिन पम्पकिन मीन्स कद्दू पम्पकिन मीन्स कद्दू नंबर फाइव बीन्स बी ई ए एन एस बीन्स बीन्स एक सब्जी होती है जिसे हम उर्दू में फली कहते हैं नंबर सिक्स बेल पेपर बी ई एल एल बेल पी ई पी पी ई आर बेल पेपर बेल पेपर मीन्स शिमला मिर्च नंबर सेवन ककुम्बर सी यू सी यू एम बी ई आर ककुम्बर ककुम्बर मीन्स खीरा नंबर एट स्पिनिच एस पी आई N A C H spinach spinach means palak cabbage cabbage means gobi eggplant eggplant means baingan leeks leeks bhi ek sabzi hoti hai white color ki hoti hai pumpkin pumpkin means kaddu beans beans means phali bell pepper means shimla mirch ककुम्बर ककुम्बर मीन्स खीरा स्पिनिच स्पिनिच मीन्स पालक काम आपका लाइनों के अंदर होना चाहिए लाइनों से बाहर नहीं आना चाहिए नीट एंड क्लीन होना चाहिए ओके बेटा अपना ख्याल रखिएगा जज़ाकअल्लाह रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे मैं आपकी टीचर अम्मा फाउंडेशन स्कूल से आज हम उर्दू का काम करेंगे तो सबसे पहले आप उर्दू की कॉपी ओपन करेंगे सबसे पहले आप उर्दू की कॉपी ओपन करेंगे तारीख लिखेंगे तारीख के बाद दिन लिखेंगे और जो आपकी डेली प्लानिंग का डे फॉलो हो रहा है वो हो रहा है 45 वो लिखेंगे आज हम करेंगे सानवी रंगों के नाम हेडिंग लिखेंगे सानवी रंगों के नाम सानवी रंग वो होते हैं जो बुनियादी रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं अगर बुनियादी रंग ना हो तो सानवी रंग नहीं बन सकते सानवी रंग कौन कौन से होते हैं सानवी रंग तीन होते हैं जिससे बुनियादी रंग तीन होते हैं बुनियादी रंगों को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो इनका कोई ना कोई रंग बनेगा इसी तरह सानवी रंग भी तीन होते हैं सबसे पहले हरा नंबर दो पे है नारंगी नारंगी नंबर तीन पे है जामनी स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज अस्सलामु अलैकुम How are you, my lovely students? Hope so you will be fine. I am a teacher of maths. Now let's start our work by the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn T words. Now let's start. First you will mention date. In which date you work, you will mention date here. And now here you will mention day. D-A-Y day 4545. Today our topic is T words.
टी वाई टी ना वन फिंगर स्पेस डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स टी वर्ड्स 2020 टिल 9090। आज का हमारा टॉपिक है टी वर्ड्स। आज हम टी वर्ड्स करेंगे। टी वर्ड्स कौन से होते हैं? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये तमाम जो नंबर्स हैं उनको हम टी वर्ड्स कहते हैं। उनको हम टी वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन नंबर्स को इनवर्ड्स में लिखते हैं, जब हम इन नंबर्स की स्पेलिंग लिखते हैं, तो उनके एंड में टी वाई टी आता है। जिस तरह हमने टी वर्ड्स किए थे 13, 14, 15, जब हमने उन नंबर्स की स्पेलिंग लिखी थी उनके एंड में टीन आया था, तो वो टी वर्ड्स कहलाते हैं। और इन नंबर्स की जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो इनके एंड में टी वाई टी आता है, इसलिए हम उनको टी वर्ड्स कहते हैं। Now let's start 2020 is equal TW EN TY 20 next 3030 is equal TH I R T Y 30 40 4040। अब आप लोग फोर की स्पेलिंग लिखते हो, फोर की स्पेलिंग F O U R 4, 14 की स्पेलिंग F O U R 4 T E E N 10 14। लेकिन जब हम 40 लिखेंगे 4040 तो उसमें U नहीं आएगा, F O R T Y 40 5050 is equal F I F T Y 50 next 6060 is equal S I X T Y 60 7070 is equal S E V E N T Y 70 8080 is equal E I G H T Y 80 9090 is equal N I N E T Y 90। Now let's start math oral T words 20 till 90। 20 T W E N T Y 20 30 T H I R T Y 30 4040 F O R T Y 40 50 F I F T Y 50 60 S I X T Y 60 70 S E V E N T Y 70 80 E I G H T Y 80 90 N I N E T Y 90। जब आप लोग ये काम कर लें तो जहाँ जहाँ T आ रहा है तो वहाँ हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह आप तमाम टीप पर अंडरलाइन कर लेंगे कि अल्लाह हाफिज़। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियत की टीचर अम्मा फाउंडेशन स्कूल से
आज हम रिवाइज करेंगे अरबी हिंदी पेज नंबर 31 पर। जैसे कि आप जानते हैं आपने पहले स्टार्ट के दो हरूफ रिवाइज किए, अब मज़ीद अगले दो हरूफ हम रिवाइज करेंगे। वाहिद एक, वाहिद एक, इसना दो, सलासा सलासा तीन, अरबा चार, अरबा चार, वाहिद एक, इसना दो, सलासा तीन, अरबा चार। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी अरबी की टीचर अम्मा फाउंडेशन स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे अलखदारुन सब्जियों के नाम। किसाउन ककड़ी, किसाउन ककड़ी, दुबाउन कद्दू, दुबाउन कद्दू, फिलफिलोन मिर्ची, फिलफिलोन मिर्ची, किसाउन ककड़ी, दुबाउन कद्दू, फिलफिलोन मिर्ची। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके अल्लाह हाफिज़।